पेश है राजस्थान की खास खबरें। कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन में वर्ष 2017 बैच की आईएएस चित्तौड़गढ़ उपखंड अधिकारी तेजस्वी राणा को अपनी ही ओर से जारी पास फाड़ना और व्यापारियों के टेबल कुर्सी फेंकना महंगा पड़ गया। राज्य सरकार ने इस मामले में तत्काल एक्शन लेते हुए बुधवार देर रात को तेजस्वी का तबादला कर दिया। राणा को अब संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के पद पर लगाया गया है। कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बड़ा संबल बनेगी। योजना के तहत राजस्थान प्रदेश के 60 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपए की राशि डाल दी गई है। इन किसानों के बैंक खातों में 1200 करोड़ की राशि केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसफर की गई है। योजना के तहत पात्र किसानों के खातों में हर साल 6,000 की राशि 2,000 की 3 किश्तों में डालने का प्रावधान है। लॉकडाउन के दौरान किसानों को यह राशि मिलने से उनकी जरूरत के कार्य पूरे हो सकेंगे। राजस्थान के भरतपुर जिले के उच्चैन थाना क्षेत्र में पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर गुटखा थूकने और लॉकडाउन नियमों की अवहेलना करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में थूकने पर प्रतिबंध है। थानाधिकारी रामचंद ने बताया कि पुलिस ने उच्चैन कस्बे में राजू और दिनेश को गुटखा चबाते हुए सार्वजनिक स्थान पर थूकते हुए मंगलवार को गिरफ्तार किया था और दोनों बिना मास्क लगाए कस्बे में बिना किसी कारण के घूम रहे थे। राजस्थान में परमाणु नगरी पोखरण में गुरुवार को फिर मौसम ने पलटा मारा और तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने मौसम सुहावना हो गया। गत कुछ दिनों से क्षेत्र में भीषण गर्मी का मौसम बना हुआ था। तेज सूर्य की किरणों से दोपहर के समय का बेहाल हो रहा था गुरुवार को भी सुबह सूर्य की तेज किरणें निकली। दोपहर 3 बजे बाद मौसम बदलने लगा और आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो गयी। राजस्थान सरकार ने कृषि विपणी अधिनियम 1961 की धारा 34 के तहत कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को किसान से सीधे कृषि जिन्स खरीदने के लिए स्वतः अनुशासन पत्र जारी करने के प्रावधान किए हैं। कृषि विपणन विभाग के निदेशक और राज्य सरकार के निर्देशों में क्रम में कृषि उपज मंडी समिति अनाज जयपुर के सचिव भगवान सहाय जाटवा ने कार्यग्रहण के पहले ही दिन प्रभावी और त्वरित कार्यवाही करते हुए जयपुर मंडी क्षेत्र में 51 कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन इकाइयों को सीधे खरीद के अनुज्ञापन जारी किए। कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए देश में लॉकडाउन का द्वितीय चरण लागू हो चुका है और उसी के साथ इसका असर भी व्यवसाय पर दिखने लगा। भरतपुर में विश्वविख्यात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के चलते यहाँ पर होटल व्यवसाय ने पिछले कुछ समय में काफी गति पकड़ी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया, लेकिन कोविड-19 ने इस व्यवसाय को तगड़ा झटका दिया है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।